इस बात से मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जैसे शहरों में जो महिलाओं के कम होने की या दुविधाओं की या जो भी समस्या है, उसका एक रीज़न ये भी है कि आप यहाँ नहीं कर सकते रंगमंच, बॉम्बे चलिए, वहाँ इट इज़ सेफ, यू कैन डू। तो यहाँ से सब चले जाते हैं बम्बई और फिर हम नाटक में कास्टिंग के लिए सोचते हैं अब किसको लिया जाए। सुष्मिता जी, अगला जवाब मैं आपसे चाहूँगी कि आपने जब आप मतलब बचपन से ही आपका इन सब चीज़ों से नाता रहा, घर में कविता का माहौल था, साहित्य का माहौल था, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव था कुछ भी इस तरह का क्रिएटिव काम करना, पर बाकी लोगों के लिए मुश्किल होता है। पर अब जब आप थिएटर कर रही हैं, और हालांकि आपने अभी थोड़े दिनों पहले ही नौकरी से इस्तीफा दे दिया, तो अब आपके पास पूरा समय है ये सब करने के लिए, पर जब पहले नहीं दिया था तो सब चीज़ें कैसे मैनेज हो रही थी? हाँ, ये बहुत आपका सवाल बिल्कुल सही है, पर मैं इस पे बहुत दीर्घ रूप से वार्ता नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि किसी की पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा किसी को क्या इंटरेस्ट देगी। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम औरतें इन जनरल किन ब्रॉड चीज़ों को फेस करते हैं जब हम थिएटर करते हैं, या विमेन एंड थिएटर के इंट्रैक्शन में व्हाट आर द बिग इश्यूज़। उसमें ये अगर इसका मैं अगर वृत्तांत दूँ तो इसमें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस उदाहरण की तरह बीच में काम आ सकते हैं। सो इफ़ यू डोंट माइंड, आई वुड रादर जो आप सवाल पूछ रही हैं उसका एक इनडायरेक्ट ढंग से जवाब दूँ, और मैं ये बताऊँ कि अपने लाइफ में, अपने थिएटर के एक्सपीरियंस में एंड बीइंग अ वुमन, मैंने क्या ब्रॉडली किस किन कंक्लूजन्स पे पहुँची। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इन माय एक्सपीरियंस तीन ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इश्यूज हैं सराउंडिंग विमेन एंड थिएटर। इनमें से किसी एक के बारे में भी लंबी बातचीत की जा सकती है, पर अभी मैं ब्रीफ में बोलूँ कि वो क्या है इश्यूज। इशू नंबर वन इज़ द क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड द क्वेश्चन ऑफ टाइमिंग। ये सिर्फ थिएटर के संदर्भ में नहीं है, वर्किंग वुमेन के बारे में भी कह सकते हैं, या आप औरतों के बारे में एक जनरल बात कह सकते हैं। एक औरत के समय पे मल्टीपल क्लेम्स होते हैं। यदि वो औरत चाहती है कि वो नौकरी करे, जो कि क्यों क्यों ना चाहे, हमारे लिए एक अच्छा परिवार ब्रिंगअप करने के लिए, अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए ये आवश्यक है, तो आप नौकरी भी करना चाहती हैं, आपके पर्सनल कुछ टेस्ट हैं, आपकी हॉबीज़ हैं, आप उनके लिए भी वक्त चाहते हैं, या आपके पैशंस हैं, नॉट नेसेसरली हॉबी, और इसके अलावा बच्चा है, परिवार है, ये सारी चीज़ें मिला के सब कुछ में, जैसे कि नौकरी दिक्कत देती है, उसी तरह से थिएटर भी टाइम टाइम का, आपके क्लेम का एक बड़ा हिस्सा है जिसके लिए आपको दिक्कत होती है। टाइमिंग का सवाल इसलिए उठता है क्योंकि अभी भी हमारे समाज में, विशेषकर हो सकता है बम्बई में हो, सादिया जी कह रही हैं, लेकिन छोटे शहरों में सेफ स्पेसेस नहीं हैं, आज भी नहीं हैं। तो आप रिहर्सल करने के लिए जाती हैं, अगर ख़ासतौर से आप यंग लड़की हैं, हम ये अपने थिएटर में रोज़ देखते हैं कि हम लोग जब रिहर्सल करते हैं तो ये जो 20-22 साल की लड़कियाँ होती हैं वो सब, हम लोग शुरू नहीं कर सकते 6:30 से पहले, बिकॉज एमएचए थिएटर में सब नौकरीशुदा होते हैं, 6:30 से पहले कोई आ ही नहीं सकता, और वो सारी लड़कियाँ 7:30 पर जाना चाहती हैं क्योंकि सबको अपनी अपनी स्कूटी लेकर रात में कहीं जाना है। सो दिस इज टाइमिंग इज़ अ बिग क्वेश्चन, टाइम इज़ अ बिग क्वेश्चन, ये है सवाल। दूसरा एक सवाल हम कह सकते हैं जो ज़्यादा गूढ़ है, लेकिन मैंने बहुत महसूस किया है, एक औरत जब थिएटर करती है तो वो एक एक अजीब किस्म का अनसेड चीज़ महसूस करती है कि द नॉन रिकग्निशन ऑफ अ वुमन्स राइट टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यदि यदि एक आदमी थिएटर करता है, लेट मी बी वेरी ब्रूटल एंड फ्रैंक, यदि एक आदमी थिएटर करता है तो वो एक अच्छा काम कर रहा है, उसे एक्सपेक्टेड है कि एक आदमी अपने आप को एक्चुलाइज करे। यदि एक औरत थिएटर करती है तो आज भी बहुधा हम पाते हैं कि ये उसकी लाइफ का एक इंसिडेंटल पहलू माना जाता है, ना कि उसकी लाइफ का एक फंडामेंटल पहलू। ऊपर से देखने से लगता है हम भी थिएटर कर रहे हैं, तुम भी थिएटर कर रहे हो, लेकिन हम कैसे कर रहे हैं, वो चीज़ दिल में क्या है, फंडामेंटल है कि इंसिडेंटल है, ठीक है। तो ये तो समाज का पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स अ वुमन्स राइट टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इससे भी ज़्यादा इंसिडियस एक चीज़ है अ वुमन्स नॉन रिकग्निशन ऑफ हर ओन राइट टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हम इतने ज़्यादा
इन क्या बताया जाए, मतलब इन इन ऐसे रास्तों पे हम चल रहे हैं, ऐसी चीज़ों से हम पैदा हुए हैं कि हम खुद अपनी नीड को पहचान नहीं पाते. हम यूँ कंडीशनड है, इतने डीपली एंट्रेंच्ड हैं ये सोचने के तरीके कि हमारे साथ ये होता है कि हम खुद अपना राइट टू सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं समझते हैं. ये इशू इनफैक्ट मैंने अपनी एक कविता मैत्रेयी में एड्रेस की थी, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसमें कि मैंने यही लिखा था कि एक राजकुमार है, वो एक लड़की से शादी करता है, एक आम लड़की अपने परिवार से झगड़ा करता है, उससे शादी करता है, कहने को वो उसको बहुत प्यार करता है, उसके खातिर अपना वो राज परिवार छोड़ के जाके एक जंगल में रहने लगता है और उसको बहुत अच्छा लगता है, वो लड़की भी उसके साथ रहती है, काफ़ी समय बीत जाता है, फिर धीरे धीरे उस लड़की का वो देखता है कि उसने वो चीज़ें करना छोड़ दिया, नीले फूल नहीं बिछाती है, कभी ये नहीं करती है, किसी किसी दिन उसके बाल नहीं कंघे हुए हैं, और वो कहता है, फिर वो क्या करती है कि वो गाना गाना शुरू करती है, और गाना गाते गाते वो क्या करती है कि वो दो चार छात्र बुला लेती है और उनको वो गाना सिखाने लगती है, और वो राजकुमार पे कहता है तुम क्या कर रही हो, बोले मैं गाना गाती हूँ. उसको ये बात बिल्कुल नहीं समझ में आता और अंततः वो उसकी हत्या करता था. ये कविता थी जिसमें मैं ये कहना चाहती थी कि जैसे ऊपर से देखने से लगता है कि आपका पति आपको चीज़ें अलाउ कर रहा है ना, लेकिन दिल से हमें अलाउंस नहीं चाहिए. आपको समझना चाहिए कि हम एक औरत नहीं, हम एक इंसान हैं. तो ये सेल्फ एक्सप्रेशन वाली बात है. तीसरी, हाँ यस, ये क्या चीज़ है. तो खैर वैसे मैं लेके आई थी पर शायद इतना वक्त नहीं होगा, मैंने कहा मैत्रेयी सुनाने का, पर कभी और. तो एनीवे, तीसरी जो एक ब्रॉड इशू है जो हम एक थिएटर में इन जनरल देख सकते हैं इज द क्वेश्चन ऑफ फीमेल थीम्स. तो मैं एक शॉर्ट में बात कहूँ कि आम तौर पे जो नाटक हम देखते हैं उनमें औरतें या तो एक सपोर्टिंग कैरेक्टर टू द मेन प्रोटैगनिस्ट होती हैं, मतलब वाइफ होगी, मदर होगी, गर्लफ्रेंड होगी, शी हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट द रोल इज़ एसेंशियली सेकेंडरी. ये तो हम सब देखते हैं. और या फिर जो कि आजकल आ रहा है और हम कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, विमेंस थिएटर इज हैपनिंग, फेमिनिस्ट थीम्स आर हैपनिंग, इफ शी इज नॉट दीज थिंग्स शी इज़ अ फेमिनिस्ट. नाउ मैं ये कहूँगी कि ट्रू इक्वालिटी या विमेन का ट्रू रोल इन थिएटर तब एक्सप्रेस होगा व्हेन द क्वेश्चन ऑफ फेमिनिज्म इज नो लॉन्गर इम्पॉर्टेंट. हमने जब हम नाटक, मैंने, चलिए हम उन नाटकों के बारे में बात करें जो अभी मैंने हाल में किए हैं, तो बहुत ही कम ऐसे नाटक हैं जिसमें औरत एक इंसान के रूप में थी. अभी मैंने एक नाटक किया था, हो रहेगा कुछ ना कुछ, दिस इज़ मार्शा नॉर्मन्स प्ले नाइट मदर, विच इज़ अबाउट अ वुमन हु डिसाइड्स टू कमिट सुइसाइड. जैसी मैंने उसमें प्ले किया था, द वुमन हु डज कमिट सुइसाइड, वो अपनी माँ से बोलती है कि आई एम गोइंग टू कमिट सुइसाइड इन एन आवर, एंड वो एक घंटा अपनी माँ के साथ बिताती है, एंड इट्स अ स्ट्रगल बिटवीन ऑन वन साइड द इंटेंट टू लिव एंड ऑन द अदर साइड द अर्ज टू डाई. उस नाटक में वो औरत औरत नहीं थी, वो एक पर्सन थी और उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कहानी थी, वेयर हर बीइंग अ वुमन वाज नॉट द इशू. सो आई वाज वेरी हैप्पी टू डू दैट प्ले बिकॉज दैट वाज अ प्ले व्हिच वाज अ वुमन स्टोरी विदाउट बीइंग अ फेमिनिस्ट स्टोरी, व्हिच आई से इज अ रियल विक्ट्री. अदरवाइज हमने नाटक किए हैं, आई हैव डन, आई बीन वेरी हैप्पी विद सम ऑफ द प्लेज दैट आई हैव डन रिसेंटली. बेचारी अमृता नोएल कावट का ब्लाइट स्पिरिट किया था, बट द प्रोटैगनिस्ट वाज द मैन जो कि द राइटर जो कि हु इज ऑर्गेनाइजिंग अपने घर में सियोंस, क्योंकि वो जानना चाहता है. आई बिलीव वन थिंग इन ऑल द प्लेज कि जब उसको कोई पुरुष डायरेक्टर करता है तो उसका नज़रिया होता है, और जब वही नाटक एक फीमेल डायरेक्टर करती है तो उसका अपना नज़रिया होता है. सो और अभी फीमेल डायरेक्टर्स भी देर आर वेरी लेस, तो ये प्रॉब्लम होती है कि जो जितने भी प्लेज हैं उनमें सेकेंडरी. यस, सो एग्जैक्टली आई वॉज, जो रुचि जी ने कहा, आई वॉज जस्ट बिगिनिंग टू कम टू दैट पॉइंट. आई वॉज सेइंग कि वी विल नेवर हैव अ कम्प्लीट सोशल नैरेटिव टिल वी हियर वुमेन्स वॉइसेस एज पीपल. जैसे कि हिस्टोरिकली हम जानते हैं, वी हर्ड कि हिस्ट्री वॉज रिटन बाय द कॉन्करर्स एंड देर वॉज अ मूवमेंट अबाउट द सबॉल्टर्न थ्योरी कि वेयर वर द स्टोरीज ऑफ द पीपल हु वर ओप्रेस्ड. And we will never have a complete picture of story till जब तक हम we only see it from the point of view of the conquered. उसी तरह हम कहते हैं कि हमको एक social, if we put theater in the larger context of the social narrative. So we will never have a complete social narrative till we have women's voices. And we will never have the complete women's voices till we are over with this war, the very necessary war of feminism. But till we have reached the other end when the feminism war is behind us.